आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे आपकी लटकती तौंद पिघल जाएगी। आप सुनकर चौंक तो रहे हैं, लेकिन आप हमारी इन छोटी मोटी बातों का ध्यान देकर अपनी लटकती तौंद से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए, छोटी छोटी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। नंबर एक, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और ये आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद में खाना खाने के बाद पानी पीना जहर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से जठराग्नि समाप्त हो जाती है। जठराग्नि आमाशय की वह ऊर्जा है जो हमारे द्वारा खाए हुए खाने को पचाती है। यदि खाना खाने के बाद पानी पी लिया जाए तो ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे हमारे आमाशय में खाना सड़ने लगता है और हमारा खाना नहीं पच पाता, जिसकी वजह से गैस और एसिडिटी बनने लगती है। अगला है, कुछ लोगों को आदत होती है खाना खाने के तुरंत बाद नहाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। दरअसल ऐसा करने से पेट के चारों ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और डाइजेशन धीमा हो जाता है, जिसके कारण आपके मोटे और बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर तीन, अक्सर लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से डाइजेशन हो जाता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। चाय और डाइजेशन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि चाय पीने से एसिडिटी बनती है। इसलिए खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद ही आप चाय पीजिए। चौथा है, खाना खाने के तुरंत बाद टहलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद टहलने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और डाइजेशन कमजोर हो जाता है। पांचवा है, खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत सोने से ठीक तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता है। नंबर छह, खाना खाने के तुरंत बाद सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद 1 सिगरेट पीना भी 10 सिगरेट के बराबर होता है और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नंबर सात, खाना खाने के बाद लोगों की आदत होती है बेल्ट ढीला करने की, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि इससे मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए आप उतना ही खाना खाएं जितना कि आपका बेल्ट ढीला ना करना पड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए, आपकी तौंद पिघलने लगेगी, आपका पेट घुसने लगेगा। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।